नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज फिर मैं आपके साथ एक यूनिक और यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट शीट होनी चाहिए और एक रबड़ शीट होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके साथ ही साथ हमें टू क्लॉथ्स यानी कि दो कपड़े हमें इस तरह से कट करने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये टू पीसीज है, वन एंड टू पीस, और साथ में हमारे पास एक हैंगर होना चाहिए। इन्हीं सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइज़र रेडी कर सकते हैं। इसे रेडी करना बहुत ही आसान है, हम घर पर भी इसको बहुत ही इजीली रेडी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने इस तरह से कपड़े को बिछा लिया और मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी यहाँ से इसकी लेंथ है 24 इंच और इस साइड से इसकी लेंथ है 15.5 इंच। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस कपड़े हमें को इस तरह चारों से तरफ रखना से सीलना है और फिर बाद में हमें इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है और बीच में से हमें इसे कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ हम घर पर ही इतना सुंदर ऑर्गेनाइजर रेडी कर सकते हैं। इसको हमें फिर से दोबारा से एक बार और फोल्ड कर देना है इस तरह से और इसको बीच में से हमें कट कर देना है। इस तरह से अब हमें क्या करना है, बाकी पीसेस को मैं एक साइड रख देती हूँ। इस पीस पर हमें एक साइड हमें निकालनी है पाइपिंग इसी कलर की और दूसरी साइड हमें कुछ नहीं करना, ठीक है फ्रेंड्स। पहले मैं आपको इस कपड़े को एक साथ जोड़ के दिखाती हूँ। सिलाई लगा ली है, अब हमें क्या करना है, जो ये रबर शीट हमने रेडी की है इसको इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक इस पर सिलाई लगानी है और फिर इसको इस तरह से ऊपर की तरफ कर देना है। इसी तरह हमें इस पर भी हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है, इसी तरह इस पर भी, ठीक है फ्रेंड्स। पहले मैं आपको इस पर सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इन तीनों को आपस में जोड़ लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिलाई हमें यहाँ से यहाँ तक लगानी है और एक सिलाई हमें यहाँ से यहाँ तक लगानी है। मैं इसमें 3 पॉकेट बना रही हूँ, आप चाहो तो इसमें 4 पॉकेट भी बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से यहाँ तक इस पर सिलाई लगा दी है और इस तरह से हमारी ये पॉकेट्स रेडी हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, जो हमारा दूसरा फैब्रिक था इसको हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और हमें यहाँ से सिलाई लगानी है और यहाँ से, और साथ ही साथ में जो हमने ये हैंगर यहाँ रखा है इस तरह से, इसकी मेजरमेंट करते हुए यहाँ से भी हमें सिलाई लगानी है। इतना हिस्सा हम बीच में खाली छोड़ देंगे ताकि हम उसमें हैंगर डाल सकें और फिर हमें यहाँ से सिलाई लगानी है और इस साइड से, इस साइड से जो हमारा हिस्सा है उसको हम ओपन रखेंगे ताकि हम इसको सीधा कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। इसके तीनों तरफ सिलाई लगाते हैं और ये वाली साइड ओपन रख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके तीनों तरफ सिलाई लगा दी है और इस तरह से हमारा ऑर्गेनाइजर रेडी हुआ है। यहाँ से देखिए मैंने थोड़ा सा स्पेस ओपन रख दिया है और यहाँ से अब हम हैंगर डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ हैंगर डाल दिया है और यहाँ से अब हम सिलाई लगा देंगे ताकि हैंगर हिले नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ अब हम नीचे से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई यहाँ लगा देंगे और इस तरह फ्रेंड्स हमारा ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया है। घर पे ही पड़े हमने वेस्ट कपड़े से ही कितना सुंदर ऑर्गेनाइजर रेडी कर लिया है। इसको अलमारी में आप इसी तरह हैंग कर सकते हैं, बहुत ही कम स्पेस लेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सॉक्स जो होती है इस तरह से हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हम इसको इजीली देख सकते हैं कि कौन सी सॉक्स कहाँ रखी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसमें सॉक्स या कुछ और जिस चीज जिस पर्पज के लिए आपने ये बनाया है इसमें कुछ भी सामान आप रख सकते हो फ्रेंड्स। इसको बनाना कितना इजी है, सिंपल है और बहुत ही कम समय में हमारा ये ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी या मेरा ये आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।